हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टू जेड एंटरटेनमेंट। ये हमारा दूसरा वीडियो है और आज हम बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे, वो है एयरलिफ्ट मिशन। हाल ही फिलहाल में आपने टीवी पे ट्रेलर प्रमोज देखे होंगे एयरलिफ्ट मूवी के, ये मूवी इसी मिशन पे बेस्ड है, तो आज हम उस मिशन पे बात करेंगे। एयरलिफ्ट है क्या? सन 1990 में इंडियन गवर्नमेंट ने एयर इंडिया की मदद से कुवैत में फंसे बहुत सारे लोगों का बाय एयर इवैक्यूएशन किया था, इसलिए उस मिशन का नाम एयरलिफ्ट पड़ा। अभी भी ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे बड़ा एयर इवैक्यूएशन माना जाता है। आखिर ऐसा हुआ क्या कि एयरलिफ्ट मिशन की जरूरत पड़ी? जब 1990 में इराक यूएस के कर्ज में डूबा था, तब सद्दाम हुसैन चाहता था कि कुवैत अपना इवैक्यूएशन कम करे, जिसके कारण ऑयल की स्कैरसिटी बढ़े और प्राइस भी बढ़ गया। लेकिन कुवैत ने साफ मना कर दिया, जिसके कारण सद्दाम हुसैन ने मजबूर होकर 2 अगस्त 1990 में कुवैत पर हमला कर दिया। इस हमले का क्या असर हुआ? इराकी आर्मी ने कुछ ही घंटों में पूरे कंट्री पर कब्जा कर लिया था। उस वक्त पूरे कंट्री में बहुत ही भयानक माहौल पैदा हो गया, यहाँ तक कि कुवैती रॉयल फैमिली भी अपनी जान बचाकर सऊदी अरेबिया भाग गए थे। इस घटना का सबसे बुरा असर वहाँ के लोकल सिटीजन पर पड़ा है। कुवैत लगभग 170,000 इंडियंस का घर हुआ करता था और अचानक से सब बेघर और बर्बाद हो गए। तब वहाँ के रंजीत कटियाल नाम के इंडियन बिजनेसमैन ने इंडियन एम्बेसी से हेल्प मांगी, तब उन इंडियंस को सेफली इंडिया वापस लाने की जिम्मेदारी इंडियन गवर्नमेंट पर आ गई एंड दैट्स हाउ एयरलिफ्ट मिशन टुक प्लेस। एयरलिफ्ट मिशन कैसे पॉसिबल हुआ? जब रंजीत कटियाल ने इंडियन एम्बेसी से मदद मांगी, तब इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कुवैत जाकर सद्दाम हुसैन से मिले और कुवैती इंडियंस को इंडिया महफूज लाने की बात रखी। शुरू में कुछ मिलिट्री एयरक्राफ्ट से बच्चे, बूढ़े और महिलाओं को लाया गया, लेकिन लगभग 170,000 लोगों को एयरक्राफ्ट से लाना मुमकिन नहीं था, इसीलिए गवर्नमेंट ने एयर इंडिया की मदद की और 488 फ्लाइट्स के थ्रू 170,000 लोगों को 4,117 किलोमीटर दूर से मुंबई लाया गया। ये कंप्लीट मिशन 13 अगस्त से लेके 11 अक्टूबर तक पूरे 59 डेज चला। क्या 170,000 लोगों का मास इवैक्यूएशन करना इतना आसान था? नहीं, दिक्कतें तो बहुत है। उन लोगों को अपने बंगले, बैंक अकाउंट्स, प्रॉपर्टी, गाड़ियाँ सब छोड़कर आना पड़ रहा था। And people will not have already leave behind what they spend their entire life earning into. लेकिन मौके की नज़ाकत को समझते हुए वो लोग अपना सब कुछ छोड़कर इंडिया आने के लिए तैयार भी हो गए। फिर भी कुछ लोगों के पास तो वैलिड ट्रैवल पेपर्स भी नहीं थे। करीब 10,000 लोगों ने तो इंडिया आने से साफ मना कर दिया। So that's all about Airlift mission. अभी 22 तारीख को जो Airlift movie आ रही है, उसमें रंजीत कटियाल की भूमिका अक्षय कुमार निभा रहे हैं। सो वी होप ये मूवी देखकर हमें इस मिशन के बारे में और जानकारी मिले। और ऑल द वेरी बेस्ट टू अक्षय कुमार एंड एयरलिफ्ट टीम। इफ यू लाइक आवर वीडियो, प्रेस ऑन लाइक बटन। यू कैन पोस्ट योर कमेंट्स इन कमेंट सेक्शन एंड प्लीज सब्सक्राइब।